नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश का फंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रोजाना यूज होने वाले 45 इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है दोस्तों, क्या तुम जानते हो ये क्या है? डू यू नो व्हाट इज दिस? डू यू नो व्हाट इज दिस? तुम मेरे से सारी बातें छुपा रहे हो। यू आर हाइडिंग ऑल द डिटेल्स फ्रॉम मी। यू आर हाइडिंग ऑल द डिटेल्स फ्रॉम मी। मैंने अपने बाप से पैसे उधार लेने पड़े सिर्फ तेरी वजह से। आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई फादर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई फादर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्या तुम्हारे पास चेंज करने के लिए ड्रेस नहीं है? डोंट यू हैव एनी ड्रेस टू चेंज? डोंट यू हैव एनी ड्रेस टू चेंज? अगर तुम किस्मत वाले हो, मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। इफ यू आर लकी, आई विल फाइंड समथिंग फॉर यू। इफ यू आर लकी, आई विल फाइंड समथिंग फॉर यू। ये किताब धड़ल्ले से बिक रही है। This book is selling like anything. This book is selling like anything. कड़ाके की ठंड पड़ रही है। Freezing cold is going on. Freezing cold is going on. एक हाथ से ताली नहीं बजती। It takes two to quell. It takes two to quell. क्या तुम धमाका उठा सकते हो? Can you blast? Can you blast? इसकी ओर देखो, ये कैसा है? Look at this, how is it? Look at this, how is it? जाओ और फटाफट से हाथ मुंह धो लो। Go and fresh up fast. Go and fresh up fast. हम जल्दी ही डिनर करेंगे। We will have the dinner soon. We will have the dinner soon. हे भगवान, मुझे नहीं पता ये नौकरानी रोज मैगी क्यों बनाती है। ओ माई गॉड, आई डोंट नो वाई दिस मेड ऑलवेज मेक्स मैगी। ओ माई गॉड, आई डोंट नो वाई दिस मेड ऑलवेज मेक्स मैगी। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। यू आर माई हार्ट बीट। यू आर माई हार्ट बीट। तुम मेरे दिल की धड़कन में रहते हो। You dwell in the beats of my heart. You dwell in the beats of my heart. दीवानों सा हाल हो गया है। I behave like a lunatic. I behave like a lunatic. अब ना किसी से डरना है। Now there is no one to fear. Now there is no one to fear. हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। We will live and die together. We will live and die together. मेरे से इतना प्यार मत करो। Don't love me too much. Don't love me too much. क्या तुम सही हो? Are you right? Are you right? तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? Why are you limping? Why are you limping? तुमने क्या देखा है मुझ में? What did you see in me? What did you see in me? एक मिनट मुझे सोचने दो। Just a minute, let me think. Just a minute, let me think. तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? Why are you sitting so far? Why are you sitting so far? तुम बहुत खूबसूरत हो। You are so beautiful. You are so beautiful. वह मेरे से ज्यादा बात नहीं करता। He does not talk to me too much. He does not talk to me too much. आपने मुझे कैसे पहचाना? How did you recognize me? How did you recognize me? क्या उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? Has he told everything about me? Has he told everything about me? तुम्हारे सिवाय वह सच में किसी और से बात नहीं करता. Apart from you, he does not really talk to anyone else. Apart from you, he does not really talk to anyone else. मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ. I understand my son very well. I understand my son very well. क्या तुम छत पर हो? Are you on the roof? Are you on the roof? मेरे बालों को मत बिगाड़ो. Don't spoil my hairs. Don't spoil my hairs. वह हमेशा इतना परेशान क्यों रहता है? Why is he always so tensed? Why is he always so tensed? वह मेरे से रूठा हुआ है. He is angry with me. He is angry with me. मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी. I will not hide anything from you. I will not hide anything from you. मुझे तुमसे कुछ छिपाने का कोई हक नहीं. I don't have any right to hide anything from you. I don't have any right to hide anything from you. मेरी जिंदगी मेरे बेटे के लिए एक कलंक बन गई है. My life has become a stigma for my son. My life has become a stigma for my son. उसके दुख उसे अंदर ही अंदर खा रहे हैं. His sorrows are eating him internally. His sorrows are eating him internally. मैंने किसी से सच्चा प्यार किया. I truly loved someone. I truly loved someone. मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूँ. I am not ashamed for what I did. I am not ashamed for what I did. किसी ने मुझे धोखा दे दिया. Someone betrayed me. Someone betrayed me. मुझे अकेले को दुख झेलने पड़े. It's only me who had to suffer. It's only me who had to suffer. मैं उसको सारी बातें कैसे बताऊं? How should I explain everything to him? How should I explain everything to him? उसका दुख कम करने में मदद करो. Help him to reduce his pain. Help him to reduce his pain. मैं उसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा. I will never leave him alone. I will never leave him alone. क्या तुम गलत हो? Are you wrong? Are you wrong? क्या तुम होश में हो? Are you in your senses? Are you in your senses? आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों. बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना. अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए. जय हिंद, जय भारत.